वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास, आप मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो भी नए स्टूडेंट हैं और जिन लोगों ने भी नया एडमिशन लिया है या जो पुराने लोग भी हैं, उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसमें आपको बताने वाले हैं जिसकी आपके जो दोनों सिलेबस हैं, आपके ओ लेवल के, ए लेवल के, जो जो भी आपके जुलाई में होने वाले हैं, तो क्या उसमें चेंजमेंट है और किस प्रकार से ये आपके होंगे, सब्जेक्ट किस प्रकार से चेंज है, क्या कंटेंट है, क्या आपको पढ़ना है और कब से क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए दोनों टॉपिक को लेकर चलें। जो लोग ओ कर रहे हैं, हो सकता है उनके फ्यूचर में ए लेवल करना पड़े या वो करने के इच्छुक रखें या कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अब उनको पढ़ना किस प्रकार से है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की सिलेबस के माध्यम से। तो सबसे पहले आपके पास दोनों सिलेबस होना चाहिए, ओ लेवल का भी ए लेवल का भी, अगर आप कर रहे हैं या ना भी कर रहे हैं। डाउनलोड करके रख लें, एक बार देख लें और जब भी पढ़ाई किया करें या नोट्स या बुक जब भी बनाए करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करें। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से क्या होता है, आपको टॉपिक पता जाता है कि हाँ इस चैप्टर से ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक हमारा तैयार हो गया। उससे आपको कम समय में जल्दी आप तैयार कर लेते हैं। अगर आप बुक उठा के पढ़ेंगे तो हो सकता है बुक में तो सिलेबस के अनुसार कभी मिलेगा नहीं, उसमें तमाम क्वेश्चन होंगे। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ा करें, जितना सिलेबस में दिया है उतना आपको ज़्यादा आसान होगा पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाएं एनएलटी की, यहाँ पे आपको नन फॉर्मल कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट जोन कोर्सेज में जाएं और नन फॉर्मल कोर्स है, मोबाइल पे भी ओपन हो जाती है साइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यहाँ पे आपका जो न्यू वाला सिलेबस है जिसमें आपको पांचवी बार दोहराया गया है, जो कि जिसका नाम रखा गया है R5, उससे पहले था R4। तो इन दोनों सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है अगर आपको जुलाई में एग्जाम देना है। वो न्यू भी हो सकते हैं, ओल्ड भी, क्योंकि दोनों लोगों को दोनों ऑप्शन मिलने वाला है। ओल्ड वाले जो है उनको नया अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिलेगा, लॉक करने का मिलेगा पेपर, यानी कि वो नया वाला देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा अभी, जो आपकी ये वेबसाइट है यहाँ पे अनाउंसमेंट जो आपको दी गई है वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, लेकिन मैं फिर से दिखा दूंगा अभी। और जो नए लोग हैं उनको तो ये देना ही देना है, तो उनके लिए तो ओल्ड वाले से कोई मतलब नहीं है। उनको ओल्ड वाले से मतलब क्या है, उनको ओल्ड वाले से क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस ओपन करते हैं दोनों का। पहले हम ओ लेवल पे चलते हैं, आपको इसमें बता देते हैं। तो सिलेबस का पैटर्न भी यहाँ पर दे सकते हैं, अच्छे से पीडीएफ बनाई गई है, तैयार की गई है आपके लिए, और काफ़ी लंबा इसमें आपका सिलेबस समझाया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने ऐड करी है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन रहता है हर बार, वो आपको समझा दें कि ये जो सर्टिफिकेट है वो किसके एक्विवेलेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ओ लेवल जो है आपका वो फाउंडेशन कोर्स है जिसको कि तैयार किया गया है NSQF अलायंस कोर्स एट फाइव, लेवल फाइव में रखा गया, जो भी कैटेगरी उन्होंने बनाई हो। और ए लेवल जो है वो आपका एडवांस डिप्लोमा कहलाता है, जो कि लेवल सिक्स का आता है आपका। उसके बाद बी लेवल है वो आपका MCA के एक्विवेलेंट है, जो आप लोग पूछते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप बी लेवल करते हैं तो आपका MCA के एक्विवेलेंट वो हो सकता है। सी लैंग्वेज करते हैं तो आपका MTech के एक्विवेलेंट होता है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद डिजिटल लिटरेचर जो आपके कोर्स हैं उसमें आपका ACC है, BCC, ACCC, CCC+ और ECC। आप पूछते हैं मुझसे कि इन कोर्स में से बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो जो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए डिमांड है, जो कि आपका बेसिकली 2 मंथ या 2.5 मंथ का आप कह सकते हैं या 3 मंथ का भी कह सकते हैं, तो उसके लिए आपका कोर्स है CCC। BCC जो है आपके ये जो कोर्स हैं ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। CCC+ और ECC वगैरह करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये जरूर ध्यान रख लें। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या सर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको ये दोनों कोर्स आपके डायरेक्ट नहीं होंगे, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर NLT सारे कोर्स डायरेक्ट कर देंगे तो सभी लोग घर बैठे करेंगे, इंस्टीट्यूट फिर बंद हो जाएंगे। तो उस कारण से कुछ कोर्स जो हैं, जो अच्छे कोर्स हैं, एडवांस कोर्स हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स हैं, उनको इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलाया जा रहा है, जो कि आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। कहाँ कहाँ चलाए जाते हैं वो एट जो NLT के सेंटर हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपके सारे सेंटर भी ऑल इंडिया के जो हैं, करीबन 800 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं ऑल इंडिया में आपके यहाँ पे दिखाए गए। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं और क्या क्या बन सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको। तो ओ लेवल करने के बाद आप जो नया वाला है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे यूजर इंटरफेस UI डिजाइनर आप बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो सेकेंड पार्ट है M2 उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस किया गया है। तो अगर आप 2020 में जुलाई से अगर करने की कोशिश कर रहे हैं कोई कोर्स, तो और कोई कोर्स छोड़ के अगर आप NLT के कोर्स करते हैं तो आपको एक तो सरकारी संस्थान का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप अच्छे जगह से करते हैं तो आप अच्छा सीख जाएंगे, और जब आप अच्छा सीख जाएंगे तो आप इंटरव्यू अच्छे से फेस कर लेंगे, तो आपको जॉब अच्छी 25 से 30 हज़ार से
आपकी स्टार्टिंग आपकी होती है, आप जानते ही हैं, अगर ए लेवल की कोई वैकेंसी होती है तो कम से कम 30,000 तो आपको मिनिमम मिल ही जाता है। और उसी प्रकार से अगर आपकी ओ लेवल की होती है तो आपकी 22 से 20 हज़ार की आपकी स्टार्टिंग बेसिक मिनिमम आपकी हो जाती है। तो अब जो कोर्स करने का मैटर है वो आपका बहुत अच्छा है। इसमें वेब एप्लीकेशन असिस्टेंट है, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट है, IoT इंटीग्रेटर है आपका। तो ये सब चीज़ें आप जो है टाइटल के अनुसार आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेबस आप देख लें, सिलेबस आपके सामने है जो कि कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है आपका, सिर्फ नाम बेसिकली चेंज है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस कर दिया गया है। तो अभी आपको सिलेबस दिखा देते हैं, उसके बाद वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन है, प्रोग्रामिंग आपका सी लैंग्वेज है। तो ये ओल्ड वाले हैं वो भी दे सकते हैं, और जो न्यू वाले हैं उनको तो ये दे नहीं देना है। तो ये आप जो ध्यान रखें, जितना भी न्यू रजिस्ट्रेशन है यानी कि फर्स्ट टाइम अभी तक है उनका, उन्होंने पेपर नहीं लॉक किया था जनवरी के लिए, उन्होंने अप्लाई किया होगा नवंबर में, अक्टूबर में और दिसंबर में, जो आपके फॉर्म भरे अभी जो भरे जा रहे हैं, जनवरी में 31 लास्ट डेट है, उन सभी लोगों का जो है वो न्यू पैटर्न से एग्जाम होगा, ये जरूर ध्यान रखें। तो सिलेबस आप देख लें जो क्या है चेंजमेंट क्या नहीं है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, सेम आपका वही पासिंग जो ग्रेड है, अब कोई चेंजमेंट इसमें नहीं किया गया है, और प्रैक्टिकल वगैरह जो है वो सब इसी के अनुसार आपके होंगे। तो सिलेबस चलते हैं देख लेते हैं क्या है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लें। M1 की बात करें तो M1 यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इसमें आपका जो बेसिक कंप्यूटर है आपका वो होगा, जो आपका बाइनरी वगैरह, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा विंडोज XP 7 8 जो भी आपका होगा उसके अनुसार इसमें आपका दिया गया होगा, पढ़ना होगा आपको। विंडोज प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग है यानी कि आपका MS ऑफिस होगा, इसमें पूरा MS ऑफिस का पूरा डेटा यहाँ पे होगा। स्प्रेडशीट से तो आपका MS एक्सेल पूरा इसमें होगा, MS एक्सेल से जुड़े जितने भी टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से प्रेजेंटेशन है तो पावर पॉइंट होगा। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, तो यहाँ पे इंटरनेट से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। कुछ चीज़ें नई हैं जो आपकी ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विस, यानी कि अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए RO AR O के लिए जाते हैं या अदर किसी पोस्ट के लिए जाते हैं, तो उसमें भी आपके बेसिकली जो काम होता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, और उसके बाद ईमेल करना, नेटवर्किंग जानना, ई गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट होती है, उन पे काम करना आपको आना चाहिए, जैसे कि ब्लॉग हो गया, मैसेजिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, मोबाइल के ऐप वगैरह हो गई, उन सबको चलाना, एक्सेस करना आना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ऐड किया गया है। उसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, काफ़ी अच्छे कोर्स हैं ये सारे कोर्स, जो आपको डिजिटल लॉकर वगैरह है, ऑनलाइन डेटा फीड करना, लॉक करना, अपलोड करना, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके अनुसार ही NLT ने ये सारी चीज़ें आपको ऐड करके दी गई है, और इसको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलने वाला है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, तो ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा एक अलग बुक है, अलग एक क्लास है समझ सकते हैं, अलग एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, लेकिन उसमें उसकी झलक जो दी गई, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ओवरव्यू। तो ओवरव्यू किया गया है आपके नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्या उसकी नीड है, वो सब इसमें आपका पढ़ना है। तो ये आपका है बेसिकली M1, जो आपका न्यू सिलेबस में है ओ लेवल में, इसकी बात करें IT2 जो आपका है। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, यानी कि M2 में आपका क्या है, तो M2 में आपका क्या है इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, कि आपको जैसे आपने वर्ड प्रोसेसर निकाला तो इसमें देख लें आपको कौन कौन टॉपिक करने हैं यहाँ पे, तो ये जरूर देख लें, पूरे ही होंगे, इतना चीज आपको तैयार करने करना, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, तो इतना चीज आप निकाल लेंगे तो आपका जो है आराम से तैयारी हो जाएगी। आगे चलते हैं, जो मॉड्यूल नंबर 2 है यहाँ पे हमारे पास IT टूल्स का, उसके बारे में देखते हैं। उसमें आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग, तो वेब डिजाइनिंग का पहले तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा इसमें आपका, कहाँ से आपका स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट है आपका ये। तो दूसरा इसमें आपका एडिटर, यानी कि जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें आपको एडिटर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एडिटर के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एडिटर को ऐड किया गया कि कौन सा एडिटर इसमें यूज करेंगे। तो काफी सारे एडिटर होते हैं, नोटपैड पे आप कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस आता है उस पर कर सकते हैं, या बहुत सारे आपके एप्लीकेशन आती हैं, किसी को भी फ्री टूल आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, आप HTML की प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। उसी प्रकार से HTML की बेसिक्स आपकी क्या होती हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, CSS को ऐड किया गया जो कि आपका डिजाइनिंग का अच्छा काम करता है, आपका मेन्यू वगैरह बनाने में या कोई कोई भी चीज़ हो स्टाइल आपको देने में, कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं इसके लिए आपका, और CSS का फ्रेमवर्क भी आपका दे देगा, तो और अच्छी से वेबसाइट आप जो कि डायनेमिक आपकी वेबसाइट होती है
बिल्कुल ग्राफिटिकली उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके बाद आपका जावा स्क्रिप्ट एंड अंगुलर जेएस भी आपका जो है जावा स्क्रिप्ट की ही लैंग्वेज है, इसको भी ऐड किया गया, जो कि काफ़ी अच्छे कोर्स हैं ये आपको जो एनआईटी प्रोवाइड करा रही है, और काफ़ी लो कॉस्ट में। अगर आप इन सबको बाहर करने जाते हैं तो ओनली बात के मान चलें कम से कम 20 से 25 हज़ार आपको देना पड़ सकता है HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट अंगुलर जेस के लिए आपको देना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम दाम में आपको अच्छा कोर्स सीखने को मिल रहा है और घर बैठे आप आराम से इसको सीख सकते हैं। तो फोकस करें, अच्छे से करें, प्रैक्टिकल जरूर करें, जो कि आपको जॉब दिलाने में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे फोटो एडिटर भी आपका दिया गया, जैसे कि आपको एडिट करना है फोटो और वेबसाइट पर जब अपलोड किया जाता है कोई डेटा तो फोटो भी लगा जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद वेबसाइट जब आप बन जाएगी उसके बाद आपको वेब पब्लिशिंग और उसकी ब्राउजिंग किस प्रकार से करनी है तो वो भी आप इसमें सीखेंगे। तो इससे अच्छा क्या आप पूरी एक वेबसाइट तैयार करना सीख रहे हैं जो कि 3 लैंग्वेज पे आपको सिखा रही है, HTML हो गया, CSS हो गया और JS हो गया, यानी कि जावा स्क्रिप्ट। तो 3 लैंग्वेज पे आपको इसमें ऐड किया गया, तो ये आपका सिलेबस है। पुराने वाले में आपका क्या था, सिर्फ इंटरनेट के बारे में था, लैन मैन, वैन, SMTP, POP3, IPv4, ये सब था, TCP, DNS, ये सब था आपका, थोड़ा थ्योरी था खाली। इसमें जो है वो आपका प्रैक्टिकल बेस है, तो काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो ये आपका है पूरा टोटल टॉपिक। अब इसके अंदर आप देखना चाहेंगे तो इसके अंदर आप देख लें, वही होगा, कोई अलग नहीं है HTML के अंदर। जो आपके बनते हैं लिस्ट होगा, इनपुट टाइप्स होगा, एट्रीब्यूट टेक्स्ट हो गया बनाना, यानी कि पूरा एक फॉर्म बनाना, वो सारा चीज़ें इसमें सिखाया जाता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे CSS के टैग आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ें आप सीखेंगे। उसके बाद फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क का काम लोग W3CS पे करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो यही है बेसिक्स आपका, काफ़ी अच्छा कोर्स है। आगे चलते हैं, जो कि है थर्ड हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल आपका चेंजमेंट मिलेगा, जो कि है आपका पाइथन लैंग्वेज। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इसके अंदर डिटेल जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा दी गई है, आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपका एल्गोरिथमिक भी आपको पढ़ना है, जो पहले था आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन का इंट्रोडक्शन है, ऑपरेटर एक्सप्रेशन है, पाइथन स्टेटमेंट है, सीक्वेंट डेटा टाइप्स है, फंक्शंस है, फाइल प्रोसेसिंग है, मॉड्यूल्स है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें हैं। तो ये आपके टोटल चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं सिर्फ पाइथन में। इधर आपका पूरा डिटेल में दिया गया है, इनकी PDF अवेलेबल है, जिनको भी PDF परचेज करनी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नंबर मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, हर वीडियो में टाइटल में पड़ा हुआ है, आप वहां से नंबर निकाल लें, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके अपना PDF परचेज कर लें। बुक अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, कब तक आएंगी, आपके सिलेबस के अनुसार PDF को तैयार किया जा चुका है और आप परचेज करके तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा, वीडियो क्लास हम जल्दी आपके लिए शुरू करने वाले, हो सकता है जनवरी लास्ट में या फरवरी में आपकी स्टार्ट कर दें। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। उसका एक चैप्टर और है जिसको कि IoT कहा जा रहा है, जिसको कि इंट्रोडक्शन टू IoT के एप्लीकेशन डेवलपर वगैरह, इसमें आपको इसमें करना है बेसिकली प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल, थिंग्स एंड कनेक्शंस, सेंसर्स है, तो ये कुछ नए, ये आपको जो पूरा मिलेगा ये पूरा नया टॉपिक ऐड हुआ है और इसमें सारे चैप्टर्स क्वेश्चंस अलग है। बेसिकली है आपका थ्योरी बेस पे, कोई इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है। आप यहाँ पे चैप्टर के नाम दे सकते हैं, बिल्डिंग IoT, सिक्योरिटी, थिंग्स ऑफ कनेक्शन, सेंसर्स वगैरह, तो अच्छे टॉपिक हैं और इनकी डिमांड है इस समय मार्केट में, इसलिए ये जो है आपका चेंज किया गया है गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब सेक्टर को देखते हुए, जो कि काफी अच्छा है। तो ये है आपका जो है ओ लेवल न्यू सिलेबस जो आपको पढ़ना है। इससे पहले का सिलेबस आप जानते ही हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, कोई फायदा नहीं है। अब इसमें जो रिकमेंडेड बुक भी दी गई है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मार्केट में जाके इनको देख सकते हैं, अगर नहीं भी परचेस करना तो कम से कम आप जाएं मार्केट में ये बुक देखें, या लाइब्रेरी कहीं हो वहां पर जाके ये बुक उठा के देखें, उसमें देखें क्या क्या दिया गया है, पढ़ें उसको। उसके बाद जब बुक मार्केट में अवेलेबल होगी एनएलटी के, तो हम आपको बताएंगे ही, बाकी अलग से कुछ आपको बुक बताएंगे, और PDF तो अवेलेबल आपके लिए है हर समय। तो ये आपका है ओ लेवल का पूरा कोर्स जो आपको तैयार करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, इसको भी आप जरूर देखें, नीचे जाएं तो इसमें आपके प्रोग्रामिंग वगैरह के क्वेश्चन आपको दिए गए, जो कि काफी अच्छी चीज है। इससे पहले जो आपका पेपर अभी हुआ नहीं है, पहली बार आपका पेपर होने जा रहा है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी तक ये किसी ने नहीं बताया है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो कि PDF कोई बताता नहीं, नीचे तक जाके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो PDF आपकी दी गई है, इसमें आपको किस प्रकार से पेपर आएगा वो भी आपका दिया गया। तो M1 R4 R5 का पेपर इन्होंने तैयार किया है, जो कि 3 पार्ट होंगे। देर आर थ्री
टू पार्ट्स होंगे आपके, और पार्ट वन में आपका वही है, सेम है आपका, कोई कोई अलग नहीं है जो यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस प्रकार के हैं। तो पार्ट वन है, यहाँ पे पूछा गया है 40 नंबर का, 60 नंबर का। तो दी गुटर मार्जिन इज एडेड टू, तो आप क्वेश्चन देखेंगे कुछ अलग टाइप के मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद दी फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन दी व्यू टैब फॉर स्लाइड। तो ये सारे आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए। दी सिंबल यूज टू सेल एड्रेस एस एब्सोल्यूट, तो कौन सा आपको यूज करना है, मेल मर्ज हो गया ये आपका। तो अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, आप देखें इसको, पूरे पीडीएफ को देखें। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, काफी अच्छी बात है। फिल इन द ब्लैंक्स आपके दिए गए हैं, मैच द कॉलम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक पेपर आपको यहाँ पे एनएलटी ने पूरा तैयार करके दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको इस प्रकार के एग्जाम होंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें, बिल्कुल आपको इनमें से क्वेश्चन हो सकता है मिले। डिस्क्राइब द ऑटो करेक्ट फीचर विद एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज क्लासेस। तो इसके अनुसार आपका पेपर आएगा, अभी मैं आपको सेकंड पार्ट का दिखाता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं ये बेसिक है। तो आपको जो ओल्ड वीडियो की क्लास पढ़ी हुई है उसको जरूर देख लें, उसमें से आपको 75% डेटा मिल जाएगा। कुछ नया चैप्टर है उसका वीडियो अभी आपको प्रोवाइड की जाएंगे। ये आपका है वेब डिजाइनिंग का, ये आपका चैप्टर दिखाते हैं। तो टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग डिस्प्ले, तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग टैग के साथ बोल्ड टैग भी होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए, उसका टीडी टैग है। तो बेसिकली टैग के बारे में ज्यादातर होगा, तो इसमें आपको अब और ज्यादा टैग तैयार करने पड़ेंगे, यानी कि HTML के, CSS के और JavaScript के। तो अब आपको और ज्यादा टैग आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी सब हम ही को करवानी है आपको, बाकी आपको सिर्फ पलटना है। उसके बाद यहाँ पे है दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से आएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है उसी के रिलेटेड। आप इसको बिल्कुल एक बार पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद पार्ट सेकंड, व्हाट इज वेबसाइट, क्या होती है, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक आपकी हो गई, डायनेमिक हो गई, और भी हो सकती है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हो गई। व्हाट इज ब्राउजर, क्या होता है, तीन ब्राउजर के नाम लिखे हैं, ब्राउजर के बारे में बताएं, ब्राउजर किस प्रकार से काम करता है, और देयर एनी थ्री ब्राउजर के नाम आप बता सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, इस प्रकार से उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न आपका रहेगा वो इजी ही रहेगा, कोई डिफिकल्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए गए हैं, इसी प्रकार का पेपर जो आपका तैयार किया जाएगा, जो कि एनआईटी की रणनीति है 2020 जुलाई के लिए। पेपर जो होगा वो इजी होगा, तो मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आप अभी से जुड़ जाएं, आपको पैटर्न आपको पता चल गया, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप उनको तैयार करना स्टार्ट कर दें। बाकी अभी आपको सब बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस पेपर और पीडीएफ के नोट्स बुक, सभी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन मैं कहूंगा कि आप अभी से ही, जनवरी से ही, लास्ट से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करें और उसको प्रिंट कर लें, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है आपका सिलेबस, ये 65 पेज का है, तो इसमें से जो पेपर आपके दिए गए हैं वो प्रिंट कर लें, सिलेबस प्रिंट कर लें, तो कम से कम 20 पेज से कम से कम आप प्रिंट करके अपने पास रख लें, बाकी चीजें आप हटा दें। कम से कम अच्छी चीजें इसमें से पेपर जो दिए गए हैं सारे पेपर प्रिंट कर लें, और उसके बाद जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है वो प्रिंट कर लें, उससे आप टिक करते जाएंगे और आप तैयारी करते चले जाएंगे। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, तो काफी अच्छी चीज है। आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास पाइथन है, तो पाइथन के क्वेश्चन यहाँ, तो पाइथन के क्वेश्चन इजी बेस पे मिलेंगे, जो उसके पाइथन वेरिएबल फंक्शन जो आपके वगैरह यूज होते हैं, कीवर्ड्स वगैरह, तो वही सब होंगे इसमें, कोई अलग नहीं होगा। इसमें भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और उनके आउटपुट आपको बताने होंगे, तो इसको जब क्लास लगेगी तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। यहाँ पे इसके ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, फ्लो चार्ट वगैरह को भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, और ये आपका मैच द कॉलम हो गया, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया पाइथन का। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं पाइथन में किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो मेक अ फ्लो चार्ट इनटू प्रिंट एनी फैक्टोरियल, तो पाइथन में आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आपको जो है फैक्टोरियल प्रिंट करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिंकर एंड लोडर, इजी क्वेश्चन है। व्हाट राइट ए फ्लो चार्ट दैट फाइंड इज सम ऑफ थ्री, फ्लो चार्ट बनाना है इसमें आपको सम ऑफ थ्री, तो फ्लो चार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज नंपाई एरे, तो नंपाई एरे के बारे में बताना है, और हाउ मेनी, तो मैंने पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड सम डिजिट ऑफ नंबर, तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्राम काफी ज्यादा पूछे गए हैं, तो प्रोग्राम आपको जरूर मिलेंगे, और ये आपके सब थ्योरी के पार्ट है, इसमें आपको थ्योरी बेसिकली लिखनी है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन है बेसिकली प्रोग्रामिंग, बस आपको लिखने का तरीका आपको चेंज हो जाएगा, और कम और लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं इस लैंग्वेज को आपको समझ में नहीं आएगा, यानी कि आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी।
सारे आपके वही हैं, सारे आप देख सकते हैं अल्फाबेट लोअर केस, सारे क्वेश्चन आप सी लैंग्वेज में करते थे, लेकिन अब आप इसमें जो लिखेंगे उसमें लिखने का तरीका जो है वो पूरा चेंज आपको हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा ओ लेवल का सिलेबस जो मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका पेपर आईओटी का है, तो आईटी में आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से आपके इसमें पुटअप किए गए। तो ये बेसिकली जो आपका थ्योरी बेस है और इसके क्वेश्चन एकदम नए हैं। अब यहाँ पे राइट ए सी प्रोग्राम टू इंटरफेस DHT सेंसर एंड LED। तो इसमें बेसिकली हाई का काम किया गया है, हाई लेवल का काम इसमें बेसिकली है। व्हाट आर दी थिंग्स IoT डोमेन, व्हाट इज द मीन ऑफ कनेक्शन थिंग। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन जो अलग टाइप के हैं, तो इसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसकी थ्योरी भी हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराएं। जैसे हमारे पास बुक प्राप्त होती है, व्हाट इज सेंसर है एक्सप्लेन दी वर्किंग विथ, तो सेंसर वगैरह के बारे में, एलईडी के बारे में, जो आपके टेक्नोलॉजी में जितनी चीजें टूल्स यूज होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो चीजें इसमें आपके दी गई है। तो ये है आपका पूरा M1 का आपका जो आपका ओ लेवल न्यू सिलेबस जो आपका जुलाई में होने वाला है, सभी के लिए आपका ये पढ़ना है जो ओल्ड वाले हैं न्यू वाले हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस जो रिवाइज वाला है मैंने आपको दिखा दिया, विथ पेपर आपको दिखा दिया। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं कितने कितने नंबर के होंगे आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही पैटर्न आपको जुलाई में मिलने वाला है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे ए लेवल के बारे में, उसमें भी आपको इसी तरह से दिखा देंगे। ये आपके लिए सिर्फ ओ लेवल की बनाई गई वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसमें उसको अलग से आपको समझा दूंगा, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, ग्रुप ज्वाइन करें। PDF नोट्स लेने हैं तो ग्रुप ज्वाइन करें, आपको PDF मिल जाएंगी, अवेलेबल है सभी की, और आप उसको तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें। क्लास जब स्टार्ट करेंगे, जल्दी करने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे, बता देंगे कौन सी क्लास कब से लगेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।